आज की क्लास एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन वाला क्लास है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस का एक पार्ट डिफरेंशिएशन। आप लोग सुने होंगे, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ना, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये जो रेट ऑफ चेंज जो चीज है उसको मैथमेटिकली कैसे समझते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, नाम है डिफरेंशिएशन। करीब करीब 45 मिनट्स लगेगा उसको समझने के लिए, बहुत इजी है। क्या है क्या नहीं है उसके अंदर घुसेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट अदरवाइज इट इज ए वेरी इजी आर्टिकल, आपको एकदम मेहनत नहीं लगेगा। लेकिन ये मालूम नहीं है तो इट विल क्रिएट न्यूमरस प्रॉब्लम, आगे समझने में काफी दिक्कत होगा। ना वेलोसिटी समझ पाओगे, ना एक्सीलरेशन समझ पाओगे, ना फोर्स समझ पाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको बड़ा ध्यान से सुनना, मैं पूरा चीज समझा दूंगा, जो लिखने की लायक चीज है उतना ही लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर स्कूल में बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कोई नहीं पूछेगा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, समझाओ बुझाओ, कोई नहीं पूछने वाला। क्लास 12 में जब पढ़ोगे तब आएगा मैथमेटिक्स में चैप्टर डिफरेंशिएशन, तब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मुझे चाहिए तो हिस्सा मैं अभी बताऊंगा। समझना है, कुछ नहीं लिखना है, मैं जब बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना, खाली पीली नोट बना के बहुत बड़ा करने की क्या जरूरत है, समझो ठीक है। ओके, नाउ टू बॉयज आर लुकिंग गुड, बैठ जाओ, हैंडसम बॉयज, बैठ जाओ जल्दी। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। अब कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो हम समझेंगे, और फिर उसके बाद कैसे उसका यूज करते हैं। इसमें हमें तीन पार्ट पढ़ना है, एक हुआ हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन, दूसरा हुआ हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन, मतलब व्हेन टू यूज डिफरेंशिएशन, और उसके पीछे मकसद है कि क्या है डिफरेंशिएशन का रियल फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बताऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, समझ लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना, देख लो। इफ वाई इज वाई एंड एक्स आर वेरिएबल्स, मतलब y भी बदल रहा है, x भी बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, एंड y एक्सक्लूसिवली y can be एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली in terms of x, then y is called a function of x। समझाया, कुछ नहीं लिखना है आपको, खाली देखना है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ये भी मुझे समझ में आया। सपोज हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं अभी कि y एंड x आर टू वेरिएबल्स, y भी बदल रहा है x भी बदल रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलेशन ए, उसका डिस्प्लेसमेंट किसी टी सेकेंड के बाद होता है यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। इसमें टी तो वेरिएबल है, समय को कोई रोक नहीं सकता, वो चलते रहता है, टी बदलते रहता है, वेरिएबल मतलब बदलते रहता है। अगर टी बदलेगा तो ऑब्वियसली एस भी बदलेगा, मतलब यहाँ पर एस और टी बदलाव है, बदलते रहते हैं, दे आर वेरिएबल्स। और एस को इन टर्म्स ऑफ टी, टी के रिलेशन से हम एस को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ टी। समझ में आया क्या? हम क्या कहेंगे, एस इज ए फंक्शन ऑफ टी, मतलब एस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टी। क्या बात समझ में आया? अभी एस इज ए फंक्शन ऑफ टी, एस इज ए फंक्शन ऑफ टी इतना लंबा लिखने में हमें अच्छा नहीं लगता, हम लोग सिंबलिकली लिखते हैं। और यू कैन राइट एस इज इक्वल टू ऐसा एक एफ साइन देना ब्रैकेट करके टी, डोंट थिंक कि एफ और टी मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ टी। क्या बात समझ में आया? एस इज ए फंक्शन ऑफ टी। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आप क्या कहोगे, वाई, क्या कहोगे, हाउ यू रीड दिस स्टेटमेंट, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आया? तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसमें क्या लिखा है, इफ वाई एंड एक्स आर वेरिएबल्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ एक्स, देन वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आया? बढ़िया। मैं पूछूंगा, ध्यान से देख लो, जिनको ये नहीं मालूम होगा बड़ा डिफिकल्ट होगा। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिखें। वीडियो आपके पास रहेगा, नोट्स नहीं चाहिए, कोई नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, कोई नहीं पूछने वाला, बस आपको जानकारी होना जरूरी है ताकि हम इसको यूज करेंगे। कोई पूछेगा नहीं, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, इसे टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स हो गया। अभी पॉइंट नंबर टू, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब होता है, अदरवाइज कहते हैं डेरिवेटिव, नाम याद रखो, नई चीज, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू, ये जो विथ रेस्पेक्ट टू है ना, इसको हम लोग डब्ल्यू आर टी लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया? जो आप रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कहते हो, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या मेरी बात समझ में आया? बढ़िया, मेरी बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा मेरा कैमरा को इधर को करता हूँ, यस। नाउ इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या मतलब है सर ये डी वाई डी एक्स क्या है? डी वाई में डी इंटू वाई नहीं है, डी वाई एक टर्म है, डी वाई क्या लिखते हैं, वेयर dy is change in y for a small change dx in x। समझाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा शुरू शुरू में, लगेगा कि क्या है, तेलुगु तेलुगु लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा है। थोड़ी देर में देखोगे चीजें काफी आसान है, थोड़ी देर में सबर करो, 15 मिनट बाद लगेगा यार ये था, देखा कि घुमा फिराना जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। डीवाई बाई डीएक्स में क्या है, वाई इज चेंज इन वाई फॉर ए स्मॉल चेंज इन एक्स, डीएक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स। और ऐसे लिखो तो और भी बढ़िया रहेगा, स्मॉल चेंज इन एक्स, dx क्या है, dx इज ए स्मॉल इंक्रीज इन x। देखो इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब x बदलेगा तो y बदलेगा, s वाज ए फंक्शन ऑफ t, ut प्लस आप डिस्क t बदलेगा तो s बदलेगा, t को थोड़ा सा बदलेंगे तो y कितना बदले, s कितना बदलेगा, मान लो कि t को थोड़ा सा बदले, बहुत छोटा सा dt मतलब वेरी स्मॉल, t को dt बढ़ा देंगे तो s भी कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगा ds, t को dt बढ़ा देने से s अगर ds बढ़ जाता है तो
तो डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या हुआ, डी एस बाई डी टी। समझ में आया क्या? रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स को बदलने से वाई बदलेगा, क्योंकि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स को बदलने से वाई बदलेगा, लेकिन एक्स को थोड़ा सा बदलेंगे तो वाई कितना बदलेगा, अगर एक्स को थोड़ा सा बदलेंगे डीएक्स तो वाई कितना बदल जाएगा, से इट इज डीवाई, तो डीवाई बाई डीएक्स हो गया रेट ऑफ चेंज। फिजिकली समझने की कोशिश करो, कोई पार्टिकल इस रास्ते में जा रहा है, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ एक्सीलरेशन है, बढ़े जा रहा है स्पीड, बढ़े जा रहा है, कोई पूछेगा बताओ यहां पर क्या स्पीड था, तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे। लेकिन मान लो कि तुम्हारे घर के सामने से कार गया, हाँ गया, कितना स्पीड में था, तो अब क्या करोगे, अब देखोगे जब वो मेरा घर को क्रॉस कर रहा था छोटा सा टाइम dt, छोटे से समय में मान लो इतना दूर गया, कितना दूर गया ds, तो गाड़ी जब आपका घर को क्रॉस किया उसका स्पीड क्या था, ds डिस्टेंस गया dt सेकंड में, है ना, तो क्या कहेंगे, गाड़ी का स्पीड यहां पर था ds by dt, तो अब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम को dt बढ़ा दिए उतने में कितना ds गया था, ds by dt हो गया वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया, ये है हमारा ds by dt। अभी हम बात कर रहे थे dy by dx का, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मुझे इतना लंबा लिखना पसंद नहीं है, मैं लिखना चाहता हूं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हम लोग सब हर जगह टाइम लेते तो बोलते नहीं है, यहां पर लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, बचपन में हम पढ़े हैं। तो कैसे लिखेंगे पूरा लंबा सेंटेंस को, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता था डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता था डी एस बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखेंगे बताओ, डी वी बाई डी टी। समझ में आया क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया डी वी बाई डी टी। देखो एकदम डरो मत, अभी तक लग रहा होगा कि क्या बाप रे क्या चीज है, कुछ नहीं है, अभी तक भरोसा रखो, अगले और 10 मिनट के बाद लगेगा कि चीजें कितना सिंपल दिखने में से लगता है, कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब मुझे आप खुद बताओगे, ध्यान से स्टेटमेंट को देखना, रेट ऑफ चेंज इन न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े होगे ना, जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आता है, द बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। अब आपका काम है क्या लिखेंगे, पूरा चीज को ऐसा ही इक्वेशन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, एफ इज इक्वल टू मोमेंटम को क्या नाम देते हैं पी, ठीक है, हाँ क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी एस बाई डी टी, यहां पर क्या लिखेंगे डी बस, ये समझ में आ गया तो काम बन गया। रेट ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी यूज शुरू हो जाएगा स्टेटमेंट। अब बात यह है कि ये तो समझ में आया, ऐसा निकालेंगे कैसे, पहले फंडामेंटल मेथड से निकालेंगे और आप उसको नहीं लिखोगे, खाली समझोगे। लेट y इज इक्वल टू सपोज समथिंग लाइक 2x स्क्वायर
plus 5x. Now y is a function of x. x बदलेगा तो y बदलेगा, है कि नहीं? Yes. x बदलेगा तो y बदलेगा. Find rate of change in y with respect to x. क्या बात समझ में आया? ये निकालने के लिए कहा गया है. मतलब क्या है? मतलब फाइंड क्या? dy by dx. क्या बात समझ में आया? हमें dy by dx निकालने के लिए कहा गया है. कैसे निकालेंगे? dy by dx में हम जानते हैं, क्या जानते हैं? x को थोड़ा सा बढ़ा देंगे. x को अगर dx बढ़ाते हैं, y कितना बढ़ जाता है? dy by dx. चलो पहले थोड़ा x को बढ़ाते हैं. पहले y क्या था? अब y का पहले वैल्यू था, मान लो क्या था? y1 2x square plus 5x. x को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ऐसा लिखते हैं. पहले x था, x को बढ़ा दिए, x के जगह कर दिए, थोड़ा सा छोटा सा चीज बढ़ा दिए, x plus h. h क्या है? h is very small. क्योंकि थोड़ा सा बढ़ाना था. आपको कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई पूछेगा जब वो इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी क्या था, तो आप देखोगे यहां पर 2 सेकंड में कितना दूर गया, दैट डिस्टेंस बाय 2 सेकंड. यहां का वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी यहां पर था पूछने से अगर 2 घंटे में कितना दूर गया निकालोगे तो यहां का वेलोसिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. हमें यहां का वेलोसिटी चाहिए तो छोटा सा समय लेंगे यहां पर. तो छोटा सा समय वाली चीज को ही रेट ऑफ चेंज कहते हैं. तो हम x को थोड़ा सा बढ़ा दिए, x plus h. क्या आप बता सकते हो dx क्या हो गया? मतलब व्हाट इज इंक्रीज इन x? x से x plus h हुआ है, तो ये हुआ h, जबकि h इज वेरी स्मॉल. क्या चीजें समझ में आ रहा है? अब dx इज h. अच्छा, व्हाट इज dy? dy हुआ करिस्पोंडिंग इंक्रीज इन y. जब x को बढ़ा दिए x plus h, तो y कितना बढ़ गया? हम कहेंगे इंक्रीज इन y. इंक्रीज इन y कैसे निकालेंगे? फाइनली कितना है माइनस इनिशियली कितने था. फाइनली क्या हो गया? y का वैल्यू दिया हुआ है 2x square plus 5x, तो फाइनली क्या हो जाएगा वैल्यू? 2x square के जगह x plus h का होल स्क्वायर, क्योंकि x बढ़ गया है, plus 5x के जगह 5x plus h. ये हो गया क्या? फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियली y कितना था? इनिशियली था 2x square माइनस 5x. क्या बात समझ में आया? जब मैं x को h बढ़ाया, y कितना बढ़ गया? y फाइनली हो गया ये, फाइनली हो गया ये, जबकि शुरू में ये था. y कितना बढ़ गया? तुम्हारे पास कुछ पैसा था, बढ़ गया. कितना बढ़ गया? अब कितना है बढ़ने के बाद? माइनस. पहले कितना था? पहले तो ये था y का वैल्यू, अब ये y का वैल्यू बढ़ गया, ये हो गया dy. ठीक है, हमें क्या निकालना है? dy by dx. क्या मतलब होता है? x को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, y कितना बढ़ेगा? dy by dx निकालना है. हमें dx मालूम है, dy मालूम है, dy by dx मालूम है, तो चलो लिखते हैं dy by dx. dy का वैल्यू है, लंबा सा चीज है, बड़ा सा चीज है, ये पूरा चीज dy है, तो इसको लेते हैं वहां पर, कॉपी करके उठाते हैं इसको यहां से, कॉपी. चलो गया, तो ये हो गया dy डिवाइडेड बाय dx. dx कितना था? dx था h, x को हम h पढ़ाए थे. कहानी यहां पे खत्म नहीं हुआ. कंडीशन था, क्या कंडीशन था? कि x इज वेरी स्मॉल. ध्यान रखना है कि x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल. आज को थोड़ा अहम कर देते हैं. वेयर x इज वेरी स्मॉल, ये याद रखना है. वेयर h इज वेरी स्मॉल, h इज वेरी स्मॉल. h को स्मॉल होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. ये बार बार ये लिखने में अच्छा नहीं लगता है, वेयर h इज वेरी स्मॉल. तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं,
इक्वल टू लिमिट। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे लिमिट, लेकिन लिखेंगे क्या? लिखेंगे ओनली लिमिट, एल आई एम, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मतलब एच इतना छोटा है कि ये जीरो के आसपास है, एच टेंड्स टू जीरो, एच इज सो स्मॉल दैट इज क्लोज टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऐसा लिखने का मतलब हुआ एच इज वेरी स्मॉल। क्या बात समझ में आया? फिर जो था वही को टाप देंगे यहां पे, क्या था ये? यस, हाँ डी वाई बाई डी एक्स मिल गया आपको। बाप रे कितना भुटका सा आया, ऐसे इतना डिफिकल्ट होता है क्या? नहीं नहीं, इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या होगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, चलो इसको खोलते हैं, खोलेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 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 2xh माइनस 5x माइनस कहा प्लस प्लस 5x प्लस 5h, और ये बाहर 2 था, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना? क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? तो 5x प्लस 5h, फिर इसको माइनस क्यों लिखेंगे, माइनस था क्या, ये तो प्लस था ना, हाँ ये प्लस था, और मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ, प्लस था, अच्छा बाद में ब्रैकेट डाल दिया, हाँ माइनस करें, अभी माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x पूरा चीज डिवाइडेड बाई h। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आया? जस्ट खाली खोल दिया हूँ, एक्सपांड कर दिया, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है, एक दूसरे को खा गए, और इधर एक प्लस 5x है माइनस 5x है, ये भी खा गए नहीं, और यहाँ पर और कुछ खाने वाला चीज है क्या? नहीं, ये सब खाने वाला चीज नहीं है, तो जो बच गया उसको लिखेंगे। बार बार बोल रहा हूं, डरना मना है, डर के आगे देखो, तुम लोग जानते हो। अब देखो कितना हो गया, ये यहां तक गए थे हम लोग, इससे आगे लिखेंगे वेयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बच गया क्या, 2h स्क्वायर प्लस 4xh प्लस 5h बाई h, अब ऊपर से h कमन जाएगा, नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लेफ्ट में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक h खा गया 2h नहीं, 5x ये बच गया 4x और ये 5 नीचे, और एच नहीं, एच इज वेरी स्मॉल, एच इज वेरी स्मॉल, जीरो के आसपास है, तो 2h भी तो बहुत छोटा है ना, तो यहां पर आने के बाद लिखेंगे एच इज जीरो, एच इज क्लोज टू जीरो। अब कोई चीज मान लो बहुत छोटा है, तो मान लो कि x इज वेरी स्मॉल, तो हम y प्लस एक्स को y लिख सकते हैं क्योंकि x इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या करेंगे, इसमें h काफी छोटा है तो इसको जीरो बना देंगे, तो बच गया क्या 4x प्लस 5। अब यहां पर मुझे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर कोई h है ही नहीं, h रहेगा तब ना लिखेंगे एच टेंड्स टू जीरो, जब h ही नहीं है तो ओके। तो ये हो गया क्या dy by dx। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इफ y इज दिस फाइंड dy by dx, if y is this, तो dy by dx कितना निकला, 4x plus 5। सर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता है, लेकिन हम इस मेथड से कुछ भी नहीं करेंगे, ये फंडामेंटल था, हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे, समझ में आया, जिसमें आप बिना पेन एंड पेपर कैसे देख के बता दोगे आंसर क्या होगा, पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो कोई पूछने वाला नहीं है कैसे हुआ क्यों हुआ बताओ, आपको तो यूज करना है। चलिए अब से आगे आप लिखोगे, ठीक है, अब से आप आगे आप लिखोगे, क्या लिखना है, y है और ये फंक्शन ऑफ x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, और मुझे चाहिए क्या dy by dx,
वाई और डीवाई बाई डी एक्स का एक टेबल याद रख देते हैं, हमारा काम निपट जाएगा। अगर वाई का वैल्यू है कॉन्स्टेंट, के इज ए कॉन्स्टेंट, मतलब ये बदल नहीं रहा है, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को कुछ भी बदलो वाई बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो डी वाई क्या होगा? जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा जीरो। इफ वाई इज ए कॉन्स्टेंट, डी वाई बाई डी एक्स होगा जीरो। और वाई हुआ एक्स टू दी पावर एन, मतलब एक्स टू दी पावर टू, एक्स पावर थ्री, एक्स पावर फाइव, वन बाई टू, कुछ भी, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो इसका याद रखना, एन उतर के आएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। क्यों होगा पूछोगे, तो मैं पुराने वाले मेथड में जाऊंगा, एक्स को एक्स प्लस एच करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, लिमिट टेंड टू जीरो करके निकालूंगा। आप क्यों चाहते हो, याद रख लो x टू दी पावर n है तो ये होगा n x टू दी पावर n माइनस वन। अगर y का वैल्यू है k x टू दी पावर n, मतलब एक कांस्टेंट है, जैसे 2x क्यूब, ये हो गया k, ये हो गया n। अभी k x पावर n में k तो ऐसे ही रहेगा, बाकी x पावर n का जो होता था वही होगा, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अगर y का वैल्यू हुआ साइन एक्स, तो इसका होगा कॉस एक्स। अगर y का वैल्यू हुआ कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू होगा साइन एक्स माइनस माइनस साइन एक्स। जितने लोग इस छोटे से टेबल को याद रखेंगे, वो पूरा रामबाण जैसे काम करेगा। फर्स्ट ईयर में इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, जबकि डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सेकेंड ईयर में जब पढ़ोगे, इट विल टेक मोर देन टू मंथ्स, मैं इतने में आपका काम निपटा दूंगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अब मैं आपको छोटे छोटे दो क्वेश्चन देता हूं। हमारा पुराना वाला क्वेश्चन क्या था, वाई वॉज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, क्या हुआ था डेरिवेटिव, इट वॉज फोर एक्स प्लस फाइव। अब हम नया तरीके से एग्जाम्पल में देखते हैं, वाई वॉज टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, कितने सारे चीज क्या क्या चीज किए, लेकिन अभी हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है, चलिए शॉर्टकट यूज करें और इसको आगे बढ़ाएं। कैसे करें, टू एक्स स्क्वायर, देखो मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, कौन सा फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव में से टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना ना, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जैसे दिख रहा है टू एक्स स्क्वायर, वन टू थ्री थ्री जैसे दिख रहा है, क्या फॉर्मूला होगा, के एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। चलो बताओ क्या होगा, यहां पर के क्या है, के भी टू है, एन क्या है, वो भी टू है, एक्स टू दी पावर टू माइनस वन प्लस फाइव एक्स, फाइव एक्स को आप फाइव एक्स टू दी पावर वन कह सकते हो ना, यू कैन से फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स टू दी पावर वन कह सकते हो। अगर फाइव एक्स टू दी पावर वन है तो क्या हो जाएगा, फाइव इंटू वन इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो ये हो गया फोर एक्स टू दी पावर टू माइनस वन इज एक्स प्लस फाइव एक्स टू दी पावर जीरो, क्या होता है, बस यहां क्या फोर एक्स प्लस फाइव। कितना मेहनत करके हम निकाले थे यहां पर, अब चुटकी से निकल गया कि नहीं, तो कौन सा मेथड आपको पसंद है आगे करने के लिए, ये वाला मेथड कि पुराना वाला मेथड, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड में अगर करना चाहोगे तो ये मेथड में आओ, दो चार क्वेश्चन करो तो तुम्हारा आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लिखना अभी लिखते रहना। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। सर आप कहते छोटे छोटे हमको देते बड़े बड़े, अरे नहीं तुम्हारे लिए तो दे। अब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, चलिए बोलना मेरे साथ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म में है,
ये कौन सा फॉर्म में है, पहले वाले का k x टू दी पावर n फॉर्म में है, और क्या होता है उसका k n x टू दी पावर n माइनस, होता कि नहीं होता है। अब बताओ क्या होगा, k तो k ही रहेगा, 3 x टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस 4 तो 4 रहेगा, 2 नीचे उतर के आएगा ऊपर जाएगा 2 माइनस 1 7 7 x मतलब 1 रहेगा, तो ये 7 into 1 x टू दी पावर 1 माइनस 1 प्लस 9 का क्या होगा, भाई 9 नीचे कांस्टेंट, 9 तो 9 है, 9 थोड़ी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो उसके लिए होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब लिख दो सीधे सीधे क्या बन गया, 15 x स्क्वायर 8 x 7 हो गया, कितना बड़ा सा डिफरेंशिएशन चुटकी में बन गया। इधर क्लियर? अब देखो आज की क्लास कितना इम्पोर्टेंट था, पता नहीं आया ना, जो लोग नहीं आएंगे तो फंसेंगे, इसलिए मैं बोला था कोई आना चाहते तो बोलो आज की क्लास में, ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप कर सकोगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वाई एक्स बदल देते हैं। अच्छा x इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t dx बाई dt निकालना है, अब dy/dx निकालो, dx/dt निकालो, सब तरीका वही है। ये पहला एग्जांपल था, क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला में है, k x टू द पावर n फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 प्लस 5 1 टी टू दी पावर 1 माइनस 1 बन गया ये 12 टी स्क्वायर प्लस 5 हो गया आंसर। यूज तो देखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करने आता है क्या। चलिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं, x इज इक्वल टू 3z प्लस 8 dx/dz, सबसे पहला आंसर कौन बताएगा, कितना सिंपल है, सबसे पहला आंसर कौन बताएगा, ओनली 3 एंड दैट इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, सो इट इज 3 इंटू 1 इंटू z टू दी पावर 1 माइनस 1 और ये कांस्टेंट 8 का होता है 0, मिल गया आंसर 3, सिंपल है ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, थोड़ा सा फिजिक्स घुसेड़ रहा हूं, 8 एनी टाइम t is given by s is equal to 4t square plus 5t, find initial velocity, ठीक पूछा initial velocity क्या, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। क्लू क्या दिया है, क्लू इज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dx/dt, यू नो ये क्लू है। हम इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो हुआ आप लोअर क्लास में जो मेथड पढ़े हो, दूसरा हुआ हायर क्लास में जो मेथड पढ़ रहे हो। क्या दिया है, 4t² प्लस 5t, फर्स्ट मेथड, we know that जब मालूम भी नहीं होगा तब भी लिख दो, we know that टीचर सोचेंगे आपको मालूम है ना, ये लिखने में कभी हरकत मत करना, we know that
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जबकि यहां पर S दिया गया है 4 टी स्क्वायर प्लस 5 टी। हियर S इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर प्लस 5 टी। क्या दोनों को कंपेयर करके आप U बता सकते हो? इधर यू टी है, इधर 5 टी है, इधर हाफ ए टी स्क्वायर है, इधर 4 टी स्क्वायर है, मतलब U हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और ए अगर कोई पूछ लिया तो कहेंगे कि हाफ ए इज इक्वल टू 4, मतलब एक्सीलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये आपकी लोअर क्लासेस में हो गया, आप कर लिए, आसानी से बन गया। लेकिन आप इसलिए कर लिए क्योंकि क्योंकि यहां पर मैं दिया था एस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 50। अगर मैं दिया होता 40 क्यूब प्लस 50 टू द पावर 7, तो फिर हम इसके साथ कंपेयर थोड़ी कर पाते, कंपेयर तो नहीं कर पाते, तब हम नहीं कर पाते। मतलब हमें जनरलाइज मेथड देखना है। ये तो था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, इसलिए कर दिए क्योंकि देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। अब हमें अपना मेथड देखना है, हमें निकालना है वेलोसिटी। मालूम है कि ds / dt, अब s ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाला, हमें मालूम है कि s इज ऑलरेडी गिवन टू अस। कितना दिया है s? दिया है 4t स्क्वायर प्लस 5t। हमें पता करना है वेलोसिटी, फिर कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू शुरू में क्या वेलोसिटी था। पहले वेलोसिटी तो निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ds / dt, इट इज 4 इंटू 2 टू दी पावर टी 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 टू दी पावर टी 1 माइनस 1, इट इज कमिंग आउट टू बी 80 प्लस 5, ये हो गया वेलोसिटी। लेकिन आपको क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सा समय का वेलोसिटी? शुरू शुरू में, शुरू शुरू में मतलब टी इज इक्वल टू क्या लेंगे? 0। दैट मींस U जो है वो क्या है? इट इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब टी की जगह 0 डाल दो, क्या मिलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग ऐसे यहां पे कहीं निकाल। हाँ, ये क्या बात समझ में आया? अगर इसमें आपको पूछा गया होता फाइंड द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो आप यू निकालते, ए निकालते, फिर वी इज इक्वल यू प्लस एटी करके करते। लेकिन इसमें सीधा टी की जगह 10 डाल दो, 80 प्लस 5, 85 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? दिस मेथड गोइंग टू बी वेरी इजी, लिख लीजिए इसको। एकदम कॉम्प्रोमाइज मत करना, पूरा समझ समझ के करना, तभी समझ में आएगा। और वीडियो को दोबारा पक्का देख लेना। क्लास 10 की कुछ फंडा की जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग जल्दी जल्दी करके खत्म कर देंगे और फिर हम लोग 11 वाले चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देख लो, हुआ नहीं तो देख लो, हो गया ठीक। नेक्स्ट, वाई इज थोड़ा डिफिकल्ट देता हूं, टी टू दी पावर इज 2/3 टू दी पावर 3/2 प्लस 4/5 टी टू दी पावर 3/5
2 by 3. Find dy by dt. तरीका वही है जो पहले से करते थे, देख के डरना मना है। dy by dt तो लिखेंगे, इट इज 2 by 3 तो था ही, इंटू t टू द पावर 3 by 2 माइनस 1, और ये 3 by 2 नीचे उतर के आएगा, 3 by 2 ही नीचे उतर के आया, प्लस 4 by 5 था, 2 by 3 नीचे उतर के आया, और t टू द पावर 2 by 3 माइनस 1। देख लो भैया, थोड़ा बहुत ये एक्सपोनेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कैसे होते हैं। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अभी सिंपलीफाई करें, 2 by 3, 3 by 2 एक दूसरे को खा गया, मिला 1, टी टू दावर 3 by 2 माइनस 1 इज सेम एज 1 by 2, तो इट इज टी टू दावर 1 by 2 प्लस 4 by 5 2 by 3 हो गया 8 by 15, टी टू दावर 2 by 3 माइनस 1 2 by 3 माइनस 1, एलसीएम ले लो 3, 2 माइनस 3 by 3 हो गया, ये कितना, इट इज कमिंग आउट टू माइनस 1 by 3, सो टी टू दावर माइनस 1 by 3। कहने का मतलब है ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया? ऑर्डिनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन था। अब आपके लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूं, गिवन y इज इक्वल टू रूट एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, कौन सबसे पहले आंसर देगा? y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x, कौन देगा आंसर? dy by dx हो गया, it is, ये क्या है x to the power, root x का मतलब, root x का मतलब होता है, it is x to the power 1 by 2, तो 1 by 2 उतरा, x to the power 1 by 2 minus 1, हो गया ये 1 by 2, x to the power 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2, is same as 1 by 2, x to the power 1 by 2, is same as 1 by 2 root over of x, हो गया ना? क्या बात समझ में आया? क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस साइन x, फाइंड dy by dx एट x इज इक्वल टू 0, कौन बताएगा सही आंसर? आपको dy by dx निकालना है, उसमें x की जगह 0 डालना है, तो पहले dy by dx तो निकालें। हाँ, 4x2 डिफरेंशिएशन सबको आता है, 4 इंटू 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1, 9x, 9 इंटू 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, साइन x, साइन x का क्या होता था, cos x, सिंपलीफाई करके लिखे तो इट इज 8x प्लस 9 प्लस cos x, 8 x इज इक्वल टू 0, dy by dx क्या हो गया, तो x की जगह 0 डालो, 8 इंटू 0 प्लस 9 प्लस cos 0,
8 इंटू 0 हो गया 0, 9 को 9, cos 0 होता है 1, सो आंसर हुआ 10। क्या बातें समझ में आ रहा है? सुश्रीका, तुम्हारी आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आया? तानी को समझ में आया? अच्छा, तो अब क्या लगने लगा? डिफरेंशिएशन इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है। अब आगे चल के जब देखोगे तब पता चलेगा, हम तो अभी हल्के फुल्के चीज कर रहे हैं। चलिए, अब हम समझ गए हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब उसका यूज के बारे में देखेंगे, कुछ फिजिकल टर्म्स हम लोग देखेंगे जो आप लोग पहले से जानते हो। जैसे व्हाट इज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम वेक्टर कहते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज v इक्वल टू ds बाय dt। मैं आपको दो वीडियो शेयर किया था देखने के लिए, आप लोग देखे हो उसको? कितने लोग देखे हैं, थोड़ा हाथ उठाए? तो सब तो नहीं दिखे, दोनों लड़की लेट में हाथ उठा रहे हैं। ठीक, देख लोगे, क्योंकि वो तो क्लास 10 वाले चीजें, उनको पढ़ाएंगे तो फिर समय खराब हो जाएगा, इसलिए उसको देख लेना। अब इस फॉर्मूले को यूज करना है और आपको बता रहा है एक एक ठो क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट एनी टाइम टी इज एस इज इक्वल टू 70³ प्लस 5t² प्लस 80 meters। कोई एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी एक समय में, क्लियरली दिख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है जो हम क्लास 10 में पढ़ा करते थे, क्योंकि तब तो s का वैल्यू ut प्लस rpt² होता था, ये पक्का नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। अच्छा, क्या निकालना है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको मालूम है कि वी इज डी एस बाई डी टी। क्या आपको लगता है आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या करना है? वेलोसिटी निकालना है टी इक्वल टू, वेलोसिटी मतलब डीएस बाई डी टी, डीएस बाई डी टी निकालना है टी इक्वल टू, एस दिया है डीएस बाई डी टी निकालो, टी की जगह 2 डालो। ठीक है, करो। और आई वॉन्ट द गर्ल्स टू गिव आंसर, बाकी जिनका हो गया चुप बैठना, बोलना मत। जिनका हो गया चुपचाप बैठो, द गर्ल्स विल आंसर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एस दिया हुआ है 70³, 5t² 80, तो वेलोसिटी हो जाएगा ds बाई dt। कितना होगा, कितना देर? क्या यही हो रहा है? देखो,
देखो तो इज इट कमिंग 21 टी स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस 8 8 टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा वेलोसिटी 21 इंटू 2 का स्क्वायर 10 इंटू टी के जगह 2 प्लस 8 21 इंटू 4 होता है 84 प्लस 20 प्लस 8 112 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। ये हो गया आपका वेलोसिटी 8t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर? अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैं जोर जोर से दौड़ रहा हूं? आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये क्या है? इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t मीटर। फाइंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। टी इक्वल टू 1 सेकेंड में एक्सीलरेशन चाहिए। पहले बताओ कितने लोग इसको कर सकते हैं? हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? तो फिर मैं वेट करूंगा आंसर के लिए। देखते हैं कौन बताते हैं आंसर। फोन बताता है आंसर। आंसर मैं यहां पर लिखता हूं, आपको दिखेगा नहीं, और मैं इसको छोटा कर देता हूं। यस, कितना जल्दी निकाला। कौन बताया? हाथ उठाओ। यस, देखो मैं भी आंसर लिख के रखा हूं। 13 है कि नहीं? Yes. तो अब क्या करेंगे? पहले निकालेंगे एक्सीलरेशन, which is dv by dt। हरी लोग तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, मैं तो बेवकूफ समझ रहा था। dv by dt, a हो गया dv by dt, b दिया है, तो क्या लिखेंगे? It is 4 into 2 t to the power 2 minus 1 plus 5 into 1 t to the power 1 minus 1 it is 8 t plus 5 8 t is equal to 1। एक्सीलरेशन हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 5 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता हूं क्योंकि इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कितने लोगों का 13 आ चुका है? हाथ उठाओ। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 6t³ प्लस माइनस 8t स्क्वायर मीटर। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एंड
एक्सीलरेशन ए टी इक्वल टू वन, वेलोसिटी भी पूछा है, एक्सीलरेशन भी पूछा है, वेलोसिटी निकालना सबको आता है, सब कर लोगे मुझे मालूम है, फंसोगे एक्सीलरेशन में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू डीएस बाई डी टी। डीएस बाई डी टी करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इंटू 3 टी टू दावर 3 माइनस 1 माइनस 8 इंटू 2 इंटू टी टू दावर 2 माइनस 1 इट इज 18 टी स्क्वेयर माइनस 16 टी, इट इज 18 टी स्क्वेयर माइनस 16 टी। तो क्या मिल गया, वेलोसिटी क्या है 18 टी स्क्वेयर माइनस 16 टी। अब एक्सीलरेशन भी निकाल दो, एक्सीलरेशन क्या होता है डीवी बाई डीटी, भी हमें पता चल चुका है, यहां से एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल गया एक्सीलरेशन 18, फिर से डिफरेंशिएशन किया 18 इंटू 2 टी टू दावर 2 माइनस 1 माइनस 16 इंटू 1 इंटू टी टू दावर 1 माइनस 1, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। क्या बात, हजम हुआ, पहले मैं एक बार डीएस बाई डीटी किया वेलोसिटी मिल गया, डीवी बाई डीटी किया एक्सीलरेशन मिल गया, है ना। नाउ 8 टी इक्वल टू 1 वेलोसिटी क्या होगा, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है क्या है, v इक्वल टू 18 टी स्क्वायर माइनस 16 टी, उसमें टी की जगह 1 डालो, इट इज 18 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। एट टी इक्वल टू 1 एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले में डालो, एक्सीलरेशन कितना है तो निकाले नहीं, अभी लिखे नहीं, लिख लेते हैं क्या है एक्सीलरेशन, कितना हुआ एक्सीलरेशन, ये 36 टी और ये 16, सो इट इज 36 टी माइनस 16, टी की जगह 1 डाल दो क्या मिल गया 20, 36 माइनस 16, सो इट इज 36 इंटू 1 माइनस 16 इज कमिंग आउट विद 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बातें, समझ में आया। अब ये मत बोलना कि डिस्प्लेसमेंट दिया है सर, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, अरे भी निकाल देंगे, भी से ए निकाल देंगे। क्या बात, समझ में आया। यस, अब व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हम किसको कहते हैं, जहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बुक में आप लोग जो पढ़ोगे डेफिनेशन, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, मेरा डेफिनेशन काफी आसान है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में कब कहेंगे, अच्छा पहले बताओ एक्सीलरेशन होने से चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है, बाप कौन बेटा कौन, किसके लिए क्या होता है, एक्सीलरेशन होने से चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होने से हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन हो गया, चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, याद रखना चेंज इन वेलोसिटी कब होता है। अच्छा जब आप गाड़ी में जाते हो एक्सीलरेटर दबाते हो तो स्पीड बढ़ जाता है कि स्पीड बढ़ जाने से आप एक्सीलरेटर दबाते हो, मतलब एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी, नॉट दैट द चेंज इन वेलोसिटी कॉजेस एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हुआ बाप, बेटा हुआ चेंज इन वेलोसिटी, जब भी एक्सीलरेशन होगा बेटे का चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो फिर एक्सीलरेशन अगर चेंज इन वेलोसिटी का बाप हुआ तो एक्सीलरेशन का भी तो कोई बाप होगा, एक्सीलरेशन कब होगा, कोई बॉडी का एक्सीलरेशन कब होगा, जब उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा, नहीं हम कहेंगे कोई बॉडी का एक्सीलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी
होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, लेकिन और भी तो फॉर्मूला आपको मालूम है नहीं? अब कोई बॉडी के ऊपर अगर फोर्स आएगा तो उसका एक्सीलरेशन हो कितना, एफ बाई एम, मतलब एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी और फोर्स में से एक्सीलरेशन के चलते चेंज इन वेलोसिटी होता है, और एक्सीलरेशन क्यों होता है, फोर्स के चलते, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन लगेगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, है कि नहीं? तो ये फिजिक्स में ना ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जानना जरूरी है, कौन किसके कारण है वो जानना जरूरी है। अकॉर्डिंगली एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे आप कहोगे किसी देश का पॉपुलेशन पी, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। क्या समय पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, समय बढ़ेगा पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से समय पर। मान लो किसी देश में बम गिर गया, आधा लोग मर गए, क्या हो 2024 में था वो पीछे आके 2015 में पहुंच जाएगा? नहीं, वो नहीं होता है, इससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ भी हो जाए समय तो अपनी रास्ता बढ़े जा रहा है, और पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करके बढ़ता है ना? ठीक है, ठीक है। तो कोई बॉडी का एक्सीलरेशन कब कांस्टेंट होगा? बुक में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? उन्हें ही नहीं लिखता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। कोई एक वॉल है जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो सारे कलर के छींटे लगे हैं, दूसरा वाल है जो जिसमें सिर्फ ग्रीन लगा है, कौन सा वाल यूनिफॉर्मली कलर है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, मतलब हर जगह कलर बराबर है, कांस्टेंट कलर है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहेंगे? जिसमें एक्सीलरेशन हर जगह बराबर है, नहीं बदल रहा है। तो कोई बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कब होगा, कब होगा? देखेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इफ इट इज ड्रिवन बाय, कौन चला रहा है इसको? ड्रिवन बाय ए कॉन्स्टेंट फोर्स। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है कि नहीं आप पता कर सकते हो ये देख के कि उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। अगर जो फोर्स आ रहा है वो कांस्टेंट है, हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। फोर्स तो एक वेक्टर है, कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जैसे जैसे हम कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे, ये गया ऊपर आया नीचे, सोचना है क्या ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? देखो ये जब हवा में उड़ते हुए जा रहा था, इधर से था, इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? सिर्फ उसका वेट जो कि नीचे की तरफ था। अगर मास m है तो उसका वेट क्या होता है? mg, आपको मालूम होगा g हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? तो इसके ऊपर वेट आ रहा था mg, जब वो यहां पर था तब भी आ रहा था mg, कहीं भी था क्या हर वक्त इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स नहीं आ रहा था? आ रहा था। तो हम कहेंगे इसको ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या बात समझ में आया? अगर मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता, सपोज कोई चीज हम यहां से फेंक दिए, ऐसे फेंके तो गया ऊपर गिरा ऐसे, आप सोचो और बताओ क्या ये मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? कैसे पता करेंगे? अरे सोचो उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था ड्यूरिंग दिस मोशन, जब वो उड़ते हुए जा रहा था यहां पर उसके ऊपर क्या फोर्स था? उसका वेट, और यहां पर भी वेट, यहां पर भी वेट, क्या उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स नहीं आ रहा था? हाँ आ रहा था, और एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, फोर्स कांस्टेंट हो गया था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, तो ये भी बन गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ये भी था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या बात समझ में आया? अभी थोड़ा सा केस बदल देते हैं। सपोजिंग
कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये नेगेटिव चार्ज है, आपको मालूम है यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये बराबर दूरी पे है तो इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा होगा, इसको घुमा रहा है पकड़। सोचो और बताओ ये इलेक्ट्रॉन का मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है या नहीं है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को खींचते रहता है, हर वक्त ये बराबर डिस्टेंस में है तो एक बराबर फोर्स में खींच रहा होगा। तो आप क्या कहोगे, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर आता हुआ फोर्स कांस्टेंट है? सर दिख तो रहा है कि हर वक्त यहाँ से बराबर दूरी पे तो बराबर फोर्स तो खींच रहा होगा, तो फोर्स तो कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं, याद रखो फोर्स इज ए वेक्टर, कभी इसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा था, कभी इधर को आ रहा था, कभी इधर को आ रहा था, कभी इधर को आ रहा था, मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज नॉट कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है, इसलिए सर्कुलर मोशन को हम लोग देर में पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यहां पर क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या बात समझ में आया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन आपको फॉर्मूला मालूम है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ये सारा चीजें इलेवन में नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको क्लास टेन में मालूम है। है कि नहीं? इसमें क्या है, भी वॉल्यूम है कि वोल्टेज है, भी क्या है वेलोसिटी, ये तो ध्यान रहे। U क्या है, U इज इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है फाइनल वेलोसिटी, A क्या है एक्सीलरेशन, S क्या है डिस्प्लेसमेंट और T क्या है टाइम। ये सब चीजें आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, सब चीज मालूम है, मैं खाली बता दिया ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा जानकारी होना जरूरी है, मतलब याद दिलाना है। क्या ये सारा फॉर्मूला का रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कर सकते हो? कर सकते हो ना, बढ़िया। यहाँ पर हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, एस एंथ, एस एंथ इज द डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड ऑफ मोशन। फॉर्मूला क्या है, यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन। क्या बात समझ में आया? ये फॉर्मूला आप लोग शायद क्लास टेन में नहीं पढ़े थे। क्या पढ़े थे ऐसा फॉर्मूला? क्या क्लास टेन में ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे? नो। तो आप मुझे बताना है कि कैसे हुआ। एसेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड ऑफ मोशन। चल निकालते हम ये प्रूफ करने वाले हैं। कोई पार्टिकल ये रास्ते में जा रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, कुछ एक्सीलरेशन भी है और ये इधर जा रहा है। मान लो यहां पर पहुंचा कब, टी इक्वल टू वन सेकेंड में, यहां पर पहुंचा कब, इसको थोड़ा और बगल में ले आते हैं, ये यहां पर पहुंचा टी इक्वल टू वन सेकेंड में, कब चलना शुरू किया था, टी इक्वल टू जीरो में, यहां पर पहुंचा कब, टी इक्वल टू टू सेकेंड में, यहां पर पहुंचा टी इक्वल टू थ्री सेकेंड में, यहां पर पहुंचा टी इक्वल टू फोर सेकेंड, ऐसे करके आगे जा रहा है। ये है उसकी कहानी।
कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द फोर्थ सेकेंड, कोई पहले पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन फोर सेकेंड्स, फोर सेकेंड्स में हो गया, फोर सेकेंड में तो यहां से यहां तक गया है कि नहीं? अच्छा, डिस्टेंस मूव्ड इन फोर्थ सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, ये पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड इन द फोर्थ सेकेंड इज दिस मच। इसको हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन फोर सेकेंड्स, फोर और फोर्थ डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? Yes. कोई अगर मुझे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड कितना है, आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे डिस्टेंस मूव्ड इन फोर सेकेंड्स माइनस माइनस डिस्टेंस मूव्ड इन थ्री सेकेंड्स, है कि नहीं? थ्री सेकेंड में कितना गया उसको निकाल से माइनस कर देंगे, थ्री सेकेंड में कितना गया, थ्री सेकेंड में गया वो यहां से यहां तक, ये दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन थ्री सेकेंड्स, सो इट इज एस फोर माइनस एस थ्री, है कि नहीं? चार सेकेंड में कितना गया माइनस तीन सेकेंड में कितना गया, दिस इज डिस्टेंस मूव्ड इन द फोर्थ सेकेंड, चौथा सेकेंड में कितना गया। अच्छा, अगर ये बात है हम कहेंगे एस एंथ, फिर क्या होगा, ये डिस्टेंस मूव्ड इन एन सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस मूव्ड इन एन माइनस वन सेकेंड्स, क्या बात समझ में आया? यस। तो अगर ये समझ में आया तो एस एंथ का फॉर्मूला निकालना था, ये क्या है, डिस्टेंस मूव्ड इन एन सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस मूव्ड इन एन माइनस वन सेकेंड। अच्छा, कोई पार्टिकल चलना शुरू किया था जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है, एन सेकेंड में कितना जाएगा हमें तो मालूम है, t सेकेंड में कितना दूर जाता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एन सेकेंड में कितना जाएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, हाँ ये तो समझ में आता है, माइनस एन माइनस वन सेकेंड में कितना जाएगा, इट इज यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, क्या बात समझ में आया? देखो कितना आसान है, अब यही चीज को सिंप्लीफाई करेंगे हमारा रेगुलर फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, हम बात कर रहे हैं एस एंथ का, तो आगे बढ़े, थोड़ा ये क्या लिख रहे हैं हम लोग एस एंथ, चलो सिंप्लीफाई करें, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर एन स्क्वायर वन माइनस टू एन, इट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए को मल्टीप्लाई करो हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस एन, फिर इसको खुलते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, कुछ कट पिट जा रहा है क्या? हाँ ये भाई साहब तो गए, बच गया क्या यू एन माइनस यू एन, अरे ये भी तो गया, चल 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 चल, तेरा भी छुट्टी, बच गया कौन यू माइनस हाफ ए प्लस एन, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, यू तो यू रहने दो और इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे प्लस ए एन माइनस हाफ ए, एक ही बात आगे पीछे कर दिया, अब
इसमें से u प्लस हाफ a को कॉमन ले लो, हाफ a ले लिए तो a चला गया, हाफ ले लिए तो जबरदस्ती ले लिए 2, तो n 2n हो जाएगा, हाफ a गया तो हो गया मास u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला दिए थे हम, तो डिराइव करने के लिए हो सकता है स्कूल वाले पूछ लेंगे, आसान होगा अगर आप इसको याद रखो यूज करने के लिए। तो ये बन गया एस एन थीज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। क्या बात समझ में आया? यस। ठीक है, क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। ये पार्टिकल आंसर यूट्यूब में कौन सबसे पहले छोड़ता है? मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। बिट नंबर 2, फोर्थ सेकेंड। क्या आप दोनों की फॉर्मूला यूज कर सकते हो? दोनों का फॉर्मूला यूज करना। YouTube में दोनों का आंसर पहले चैनल में कौन देता है मैं देखता हूं। ठीक है, वीडियो विल बी अपलोडेड नो डाउट, लेकिन चैनल में उसका आंसर पक्का देना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।